अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी, व्लॉग का स्टार्ट किया है मैंने सुबह सुबह के टाइम से भाई। अच्छा, हम आए हैं क्लिंटन होटल आई थिंक सो, और यहाँ हमने कार पार्क की। हम जा रहे हैं मोरक्को, जिस तरह मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ना बर्थडे गिफ्ट दिया है ये वेकेशन, और हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और अभी हम ड्यूटी फ्री पे हैं, और यहाँ ड्यूटी फ्री पे हस्बैंड मामूल इस दफ़ा हमने ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं की, हमारे पास टाइम बहुत कम था और बहुत थके हुए थे। सुबह 4 बजे के उठे हुए थे, आपको पता है एयरपोर्ट पे पहले आना पड़ता है बच्चों के साथ ना, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है घर से बाहर निकलना, नाश्ता करवाना, खा लो खा लो खा लो खा लो, उठ जाओ जल्दी कपड़े पहन लो, यही रहता था। तो बस आए हैं और यहाँ वेट कर रहे हैं, वेटिंग एरिया में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे अपने साथ छोटी मोटी चीज़ें ले आए थे, टॉयज ले आए थे, थोड़ी सी निंटेंडो ले आए थे। तो अब मैं आपको बता रही हूँ हम मोरक्को कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। दरमियान में स्पेन भी पड़ता है, पुर्तगाल पड़ता है, और सारा हो हवा के आई थिंक सो 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी, और रायनर पर हम गए हैं। और ये देखें इनकी एक्साइटमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब मेरे तो खैर बैठे बैठे ना मैं थक जाती, पर क्या करें, वेकेशन के लिए जो है ना इतनी जो है ना प्लेन में बैठना बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज़रा सो गए थे क्योंकि सुबह से उठे हुए थे। हम ना मोरक्को तकरीबन पहुंच गए हैं, और जैसे ही हम पहुंचे ना अभी ऐसे ऐसा लैंड हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है ना मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट डेजर्ट है, और बिल्कुल ड्राई ड्राई, कहीं कहीं आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं। और आइलैंड में जब आप लैंड करते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हम बस ऑलमोस्ट लैंड कर गए हैं। ये देखिए जी, रनवे पे अब हमारा जो है ना जहाज़ अब लैंडिंग गियर में है और लैंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, अब मैं आप सबको यही कहूँगी वेलकम टू मोरक्को। और रायनर पे हम आए हैं, हमारी फ़्लाइट थी रायनर, अच्छा सफ़र गुजर गया। और ये है मोरक्को का एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। एयरपोर्ट पे हमने कोई सामान वगैरह तो बुक नहीं करवाया था, इस वजह से डायरेक्ट हम एग्ज़िट हो गए। हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बहुत अच्छी है देखा जाए, और अब प्रैम हमारी बुक हुई थी तो उसको प्रैम को लेने जा रहे हैं हम आगे। ये देखिए कितना बड़ा इनका एयरपोर्ट है, मुझे अच्छा लगा इनका एयरपोर्ट, और क्लीननेस भी है बहुत ज़्यादा। ये नज़र आई थी प्रैम ना, तो उन्होंने कहा आगे जाओ, और आगे गए तो हमें नज़र ही नहीं आ रही। इधर ये 7 नंबर उस पर खड़े हुए हैं, तब वहाँ बैगेज क्लेम वाले के पास गए, हम पूछे हमारी प्रैम कहाँ है, और प्रैम के बगैर तो आपको पता गुजारा नहीं है। मोरक्कन करेंसी है 100 का नोट, 200 का, 20 का, ये बस अब सिम लेंगे यहाँ से, उसके बाद आगे जाएंगे। अब ये जो है ना टैक्सी बुक कराई थी booking.com से, वही जो है ना हमारा नाम लेके खड़ा हुआ था। तो अब यहाँ से फिर हम जो है ना अपने होटल जाएंगे। और जी, गर्मी का आलम आप चेक ही ना करें। मैं आपको क्या बताऊँ, तो बच्चों को गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, खैर हमारे लिए भी गर्मी है। पाकिस्तान आयरलैंड में जो थी 7 टेम्परेचर चल रहा था, और फुल क्लाउडी मौसम, और यहाँ एकदम आते साथ ही थी। हाँ, ये बैग रख दें आप, बैग पैक रख दें, मैं भी अपना बैग पैक उतार दूँ। सांझी ओके ओके। और अब तक मैंने जितने भी कंट्रीज़ फिरे हैं उनमें मोरक्को बहुत डिफरेंट लगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि एक जैसा ही शहर है। यूरोप में फिरो ना तो ऐसा लगता है एक जैसे आप कंट्रीज़ में फिरे हैं, एकदम जो है ना एक कॉन्टिनेंट चेंज हुआ, क्लाइमेट भी बिल्कुल चेंज है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अच्छा लग रहा है। और सफाई बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीननेस है, और धूप तो तेज़ धूप थी। असल में हम जो पहुँचे जो है आफ्टरनून में, तो धूप ज़रा जो है ना तेज़ हो जाती है, ज़रा शायद हमें ज़रा फील हो रही है। और ये देखें कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, इतनी नाइस, और ना स्ट्रक्चर यहाँ बिल्डिंग्स के बड़े खूबसूरत हैं, डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर है बिल्कुल यूरोप से, और डिफरेंट दूसरे कंट्री से। लिस्बन भी गई थी मैं लास्ट 6 महीने पहले, तो उससे भी बिल्कुल डिफरेंट था, लिस्बन भी बहुत डिफरेंट था। तो ये आ गया है हमारा होटल, अब मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाऊँगी, इसका रूम दिखाऊँगी। अरे होटल नहीं है ये, रियाद है, जिस तरह कोई हवेली, बड़ी हवेली होती है ये जो है ना,
उनका ट्रेडिशनल वे है लिविंग का ना, तो ये सिटी सेंटर के अंदर है, तो इस वजह से ना हमने प्रेफर किया इसको बुक करवाने का, और इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकर के यहाँ बेड्स हैं बच्चों के लिए, और इसके बाद ये यहाँ से डोर ओपन होता है, और ये बाथरूम है, ये शावर एरिया है इनका डिफरेंट तरह का, और हरी में यहाँ हाइट भी हुई है, यहाँ भी लाइट होनी चाहिए। ये है बेडरूम, एसी लगा हुआ है, यहाँ से भी खुल जाता है बालकनी का एरिया, यहाँ से लुक है, पिक्चर नहीं बनाई मैंने, वीडियो बनाई है। और हम फिर बच्चों को चेंज कराने के बाद, बहुत भूख लग रही थी, निकल पड़े हैं बाहर, और बिल्कुल ही ना डिफरेंट वाइब आ रही है जगह की, जिस तरह अलादीन की मूवी की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त ना एरिया। स्पेशल डिश है तंजाइन, और इसमें डिफरेंट तरह के आते हैं, ये चिकन वाली है और कीमे वाली भी होती है, डिफरेंट तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमने आज फर्स्ट डे पे ये मंगवाई थी अपने लिए, मेरे फॉर टू पीपल थी, और बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। इसके बाद जूसेस की यहाँ बहुत ऑप्शन है, फिर मैंने कहा चलो जूस तो पीना मस्ट है ना, तो आजकल यहाँ जो है ना सम्मी का मौसम चल रहा है, तो फिर मैंने जूस पिया। ये कोई उन्होंने टेरेस और सन रूम या सन बाथ लेने के लिए जगह बनाई है, अच्छा है ओपन एरिया, इवनिंग के टाइम पे बड़ा मज़ा आता है, रिलैक्सिंग जो है ना फील आती है। तो इसी नोट पे जो है ना आज के ब्लॉग का इख्तिताम करूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मुझे दें अपनी होस्ट पक्ष ब्लॉग को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।